वापिस लो, वापिस लो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जनता का तेल निकालने वाली सरकार, मुर्दाबाद, 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 बन जाए बिराने वाली सरकार। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से देश के अंदर जो डीजल और पेट्रोल की दिन रात जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उससे जनता को जो अपनी सवारियां चलाना मुश्किल हो गया है, उसके विरोध में ये आक्रोश प्रदर्शन है। और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि आप अमेरिका से यारी निभाने के लिए लोगों के ऊपर महंगाई मत थोपो। आप ईरान जब हमारा दोस्त राष्ट्र है, वो सस्ता पेट्रोल डीजल देने को तैयार है, तो वहाँ से ले। और वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल डीजल की कीमतें घट रही हैं, और यहाँ पे एक लीटर के ऊपर सरकार अपने ही नागरिकों से 70 रुपये प्रति लीटर सरकार कमा रही है नागरिकों से, और वो भी उस समय पे जब कोरोना की महामारी चल रही है, 12 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है। तो हम ये मांग करते हैं कि ये बढ़ाई गई कीमतें वापस लें, और अभी रसोई गैस की भी कीमतें बढ़ाई गई है। इस दौर में जब ऑलरेडी नागरिक संकट में है, तो आप ये महंगाई मत थोपिए उनके ऊपर जो है। इसके साथ साथ हम रोहतक के नागरिक ये भी कहना चाहते हैं कि स्थानीय जो नागरिक सुविधाएं हैं, जैसे पीने का पानी है, सफाई का प्रबंध है, कोरोना का जो इलाज है, वो भी बहुत बुरी स्थिति के अंदर है। कॉलोनियों में पानी देखने को नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ से कहते हैं कि हाथ धो, दो बार नहाए करो। तो ये सारी भी कीमतें किसानों की जो वायदा करके उनके जो दाम थे वो दिए नहीं जा रहे, सफाई कर्मियों के साथ जो समझौता हुआ था वो लागू नहीं किया जा रहा है, पीटीआई टीचर्स की नौकरियां जो हैं गलती जो है सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की है, यहाँ पे शरे आम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन सजा दी गई है इन 2000 गरीब परिवारों को। तो हम इन मुद्दों पे भी ये मांग करते हैं कि इनका जो है रास्ता निकाला जाना चाहिए, इनकी नौकरियों का, और जिनके लिए सरकार ने जो वायदा किया हुआ है वो उनको लागू करे, मजदूरों का, किसानों का और नागरिकों का। जो आज जिस तरह से आपने स्कूटर बाइक और जो है ट्रैक्टर वगैरह जो खींचे हैं, तो अलग तरीके का जो प्रोटेस्ट किया। हाँ, ये जो प्रोटेस्ट था वो यही था कि जब 80 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल बिक रहा है, तो हमारी जेब इजाज़त नहीं देती कि भी हम वो खरीद के और अपने ट्रैक्टर और मोटर बाइक चलाएं। तो हम इनको सौंपने आए प्रशासन को कि इन मैया तो तुम डलवा के दो भी पेट्रोल और डीजल, और नहीं तो ये कीमतें जो है ये वापस लो, तभी नागरिक जो है इनका प्रयोग कर पाएंगे। नहीं तो आप 13वीं सदी की तरफ लोगों को धकेल रहे हैं कि बैलगाड़ी चलाओ, पैदल चलो, और इन वाहनों को जो है जंग लगने दो। ये तो ये तौर तरीके हैं, हम इसका विरोध करते हैं।